बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। काफी दिनों से पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल में चलने को तैयार है और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे मार्ग पर पूरी चालन के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह 5:55 पर पूर्व रेलवे ने हावड़ा के 22 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रायल रन शुरू किया। जानकारी के लिए बता दूं कि 30 दिसंबर को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रेल मार्ग पर 16 कोच के वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस रूट की सप्ताह का 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होगा और करीब 1,028 यात्री सफर कर पाएंगे और 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। बताते चलूं कि भारत में ये 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा। बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। काफी दिनों से पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल में चलने को तैयार है और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे मार्ग पर पूरी चालन के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह 5:55 पर पूर्व रेलवे ने हावड़ा के 22 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रायल रन शुरू किया। जानकारी के लिए बता दूं कि 30 दिसंबर को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रेल मार्ग पर 16 कोच के वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस रूट की सप्ताह का 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होगा और करीब 1,028 यात्री सफर कर पाएंगे और 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। बताते चलूं कि भारत में ये 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा।